बनी रहेगी डीपोलराइजेशन के अंदर, तो रॉड सेल अभी किसके अंदर है, डीपोल के अंदर। तो रॉड सेल यहां पर ध्यान देना, जनरली आपने अब तक जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा है कि जब उद्दीपन आता है तो उद्दीपन के आने पर कोई सेल डीपोलराइजेशन में जाती है, पर यहाँ कहानी उल्टी हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब उद्दीपन नहीं है तब रॉड सेल किसके अंदर है, डीपोल में। ये रॉड सेल जो डीपोल में है, तो अब अगर कोई भी न्यूरॉन डीपोल में होगा तो उसका जो एक्सॉन एंडिंग है वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो हमने कहा कि यहां पर अब जो रॉड सेल है ये बेटा रिलीज करती है। कल जहां तक मुझे याद आता है कि थोड़ा सा अपन लेट हुए थे, पर अपन ने शायद स्ट्रक्चर ऑफ आई तक तो कंप्लीट कर लिया था। हमें पढ़ना था बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन के बारे में, कि हमें चीजें दिखाई कैसे देती है। तो अब बात करते हैं अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ विजन। तो बात करते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में। तो जरा ध्यान देंगे कि मैकेनिज्म ऑफ विजन क्या है, कैसे अपने को दिखाई दे रहा है, आपस में वार्तालाप बंद। ठीक, देखो हमें अगर समझना है कि हमारी आई काम कैसे करती है, तो उसे समझने के लिए अपने लिए आवश्यक है कि हम ये समझे पहले कि जब अगर लाइट नहीं आ रही होती है, यानी कि रॉड या फोर्स अपना काम नहीं कर रहे होते, तब क्या होता है, और फिर हम समझे कि जब लाइट आती है तब क्या हो रहा होता है। तो पहले हम बात करते हैं डार्कनेस वाली कंडीशन में। डार्कनेस वाली कंडीशन में जो कुछ होता है इसे कहा जाता है डार्क करेंट। क्या नाम देते बेटा, डार्क करेंट कहा जाता है। अब ये डार्क करेंट आपका क्या कहता है उसके लिए, तो इसका कहना यह है कि जब डार्कनेस होता है तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो रॉड सेल है, ये रॉड सेल की परमिएबिलिटी टू सोडियम होती है ज्यादा। देखिए जब डार्कनेस होती है तो डार्कनेस के टाइम पर सोडियम के लिए रॉड सेल की परमिएबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। जब अगर बेटा रॉड सेल की परमिएबिलिटी सोडियम के लिए ज्यादा होती तो फलस्वरूप क्या होगा, सोडियम बताओ अंदर आएगा रॉड में या बाहर जाएगा। सोडियम कहाँ ज्यादा था, बाहर। तो अगर परमिएबिलिटी या पारगम्यता ज्यादा है तो मतलब सोडियम को आना चाहिए अंदर। तो हमने कहा कि इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। तो सोडियम का क्या हुआ, इन्फ्लक्स, यानी कि सोडियम कहाँ आया, अंदर आता। जब सोडियम अंदर आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो रॉड सेल है, ये रॉड सेल आपका किसके अंदर बनी रहेगी, डीपोलराइजेशन के अंदर। तो रॉड सेल अभी किसके अंदर है, डीपोल के अंदर। तो रॉड सेल यहां पर ध्यान देना, जनरली आपने अब तक जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा है कि जब उद्दीपन आता है तो उद्दीपन के आने पर कोई सेल डीपोलराइजेशन में जाती है, पर यहाँ कहानी उल्टी हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब उद्दीपन नहीं है तब रॉड सेल किसके अंदर है, डीपोल में। ये रॉड सेल जो डीपोल में है, तो अब अगर कोई भी न्यूरॉन डीपोल में होगा तो उसका जो एक्सॉन एंडिंग है वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो हमने कहा कि यहां पर अब जो रॉड सेल है ये बेटा रिलीज करती है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। रॉड सेल से रिलीज क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाता है। तो रॉड सेल यहां रिलीज कर रही होती है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है ग्लूटामेट, पर मैं आपसे नाम याद करने को नहीं कहूंगा कि आप नाम याद करें, बस इतना याद रखें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाता है। ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो रेटिना में रॉड सेल के बाद कौन आता था, बाइपोलर। ये क्या करेगा, बाइपोलर में डेवलप करा देगा आईपीएससी। तो आईपीएससी किसके अंदर डेवलप हुआ, बाइपोलर सेल में। बताओ जरा आईपीएससी का फुल नेम क्या था, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल था। यानी कि हमने कहा था जब साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो अभी क्या हुआ कि बाइपोलर सेल किसके अंदर है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में। तो यहां से जो बाइपोलर सेल को न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता था
बाइपोलर सेल से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा कि दो रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलीन फ्रॉम बाइपोलर सेल, तो बाइपोलर सेल से एसिटाइल कोलीन रिलीज नहीं हुआ। जब बाइपोलर सेल से एसिटाइल कोलीन रिलीज नहीं हुआ तो इसका मतलब हुआ कि जो गैंग्लियोनिक सेल है, ये गैंग्लियोनिक सेल बेटा किसके अंदर बनी रहेगी, तो अपन कहेंगे कि गैंग्लियोनिक सेल होगी आरएमपी में, क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल को तो कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, तो गैंग्लियोनिक सेल अभी कितने विश्राम कला विभव में। जब ये गैंग्लियोनिक सेल विश्राम कला विभव में है तो अब इसकी वजह से क्या होगा, गैंग्लियोनिक सेल के विश्राम कला विभव या गैंग्लियोनिक सेल के आरएमपी में होने की वजह से क्या होगा कि कोई भी इंपल्स नहीं पहुंचेगी इन ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व के पास कोई भी इंपल्स नहीं। मतलब कि हमने यहां पर समझा कि जब लाइट नहीं आती है उस टाइम पर रॉड सेल किसके अंदर होती है बेटा, डीपोल में। अगर कहा जाए कि बाइपोलर सेल किसमें है तो आप कहेंगे कि बाइपोलर सेल होती है हाइपरपोल में, बाइपोलर सेल किसके अंदर आ जाएगी बेटा, हाइपरपोल में। और हमने पढ़ा कि गैंग्लियोनिक सेल किसके अंदर होती है, आरएमपी में। ये कब हो रहा है, जब लाइट नहीं आ रही है तब। अब हम समझते हैं कि जब लाइट आएगी तब क्या होता है, तो जरा उसे देखो। अब मैंने कहा कि लाइट आई, तो जब लाइट आती है उस टाइम पर क्या होगा, तो ये जो लाइट है इसके पास एनर्जी होती है ना फोटोन के फॉर्म में। ये लाइट किसके ऊपर आई, रॉड सेल पर। रॉड सेल पर कैसे कैसे आई, तो सबसे पहले लाइट कहां पर पहुंची, कॉर्निया पर, कॉर्निया के बाद एक्वस चैम्बर, फिर कहां लेंस, फिर विट्रस चैम्बर, फिर गैंग्लियोनिक सेल, फिर बाइपोलर सेल और फिर फोटोरिसेप्टर सेल, यानी कि रॉड पर पहुंची। जब ये लाइट रॉड सेल पर पहुंचेगी तो रॉड सेल पर पहुंचने पर रॉड सेल में क्या बना था, रोडोप्सिन। ये जो रोडोप्सिन था इसको आपने क्या कहा था, दृश्य बैंगनी कहा था। तो हमने कहा कि यहाँ रोडोप्सिन भरा है जिसका नाम क्या है, दृश्य बैंगनी नाम होता है। तो हमने कहा कि ये जो रोडोप्सिन है, ये रोडोप्सिन अब टूट जाता है और टूट करके क्या बनाएगा, रेटिनल और ऑप्सिन। तो इससे टूट के क्या बनाया, रेटिनल प्लस ऑप्सिन बनाया। तो ये रोडोप्सिन टूटता है और इसके टूटने से क्या बनता है, रेटिनल और ऑप्सिन। जो रेटिनल बना, रेटिनल का कलर होता है हल्का ऑरेंज, कलर कैसा रहेगा, हल्का ऑरेंज कलर होगा। इसका मतलब लाइट के आने पर रॉड सेल का कलर और ज्यादा गहरा हो जाता है, या रॉड सेल का कलर उड़ गया, बताओ हल्का हुआ ना, यानी कि कलर उड़ा, कलर उड़ता है। इसी चीज को अपन बोलते हैं बेटा ब्लीचिंग ऑफ रॉड, इसी को क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग ऑफ रॉड कहा जाता है। तो इसी चीज को अपन ने नाम दिया ब्लीचिंग ऑफ रॉड। इधर क्या हुआ, रेटिनल और ऑप्सिन अलग अलग हो गई। रेटिनल आप जानते हैं विटामिन ए का एल्डिहाइड था और ऑप्सिन क्या है, प्रोटीन है। इधर जो ये ऑप्सिन है, क्या हुआ कि ऑप्सिन की संरचना में परिवर्तन आया। ये ऑप्सिन की जो संरचना थी, तो ऑप्सिन की संरचना क्या हुआ, परिवर्तित हुई। तो हमने कहा कि ऑप्सिन की संरचना यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, परिवर्तित होती है। ये ऑप्सिन की संरचना जैसे ही परिवर्तित हुई, तो इसके परिवर्तित होते ही अब क्या होगा, रॉड सेल की पारगम्यता बदल जाएगी। तो हमने कहा कि रॉड सेल की पारगम्यता में परिवर्तन, तो रॉड सेल की जो पारगम्यता है वो क्या हो गया, बदल गई। तो हमने कहा कि रॉड सेल की पारगम्यता क्या होता है बेटा, बदल जाती है। तो रॉड सेल की पारगम्यता यहां पर नहीं, ध्यान दें बदलने का मतलब क्या है। अब तक रॉड सेल किसके लिए परमेबल था, सोडियम के लिए। अब पारगम्यता बदली तो किसके लिए पारगम्य हो जाएगा, पोटेशियम के लिए। जब पोटेशियम के लिए पारगम्य होगा तो बताओ रॉड सेल अब डीपोल में जाएगा कि रीपोल में, किसके अंदर जाएगा, रीपोल में। तो हमने यहां पर कहा कि अब जो रॉड सेल है, ये रॉड सेल इसके अंदर अब क्या हो जाता है, पुनः ध्रुवण होगा। तो हमने कहा कि रॉड सेल के अंदर क्या हुआ, पुनर्ध्रुवण। पुनर्ध्रुवण होने की वजह से रॉड सेल पे
जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था, इस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होगा या रुक जाएगा, रुक जाएगा ना, तो हमने कहा कि इससे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये विमुक्ति नहीं होगी। तो हमने कहा कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की विमुक्ति नहीं होगी। तो यहाँ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की विमुक्ति अगर नहीं हो रही तो यही इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर तो था जो कि बाइपोलर सेल को किसमें रखे था, हाइपरपोल में। इसका मतलब क्या है कि बाइपोलर सेल अब हाइपरपोल से निकलेगी। जब ये हाइपरपोल से निकलेगी तो अब यहाँ पर क्या होगा कि बाइपोलर सेल से, अपन ने कहा कि बाइपोलर सेल से अब क्या होने लगेगा, एसिटाइल कोलीन की विमुक्ति होगी। तो बाइपोलर सेल से विमुक्ति किसकी हुई बेटा, एसिटाइल कोलीन। तो हमने कहा कि बाइपोलर सेल से एसिटाइल कोलीन रिलीज होना शुरू हुआ, और बाइपोलर सेल से जब एसिटाइल कोलीन रिलीज होगा तो इस एसिटाइल कोलीन के रिलीज होने की वजह से गैंग्लियोनिक सेल जो है, इस गैंग्लियोनिक सेल में डेवलप क्या हो जाएगा। तो अपन ने कहा कि गैंग्लियोनिक सेल में एक्शन पोटेंशियल यानी कि क्रिया विभव, यानी क्या क्रिया विभव, तो क्या होगा कि गैंग्लियोनिक सेल में क्रिया विभव की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। तो गैंग्लियोनिक सेल में अपिता उत्पत्ति किसकी हुई, क्रिया विभव की। गैंग्लियोनिक सेल में जब क्रिया विभव की उत्पत्ति हुई तो अब इस उत्पत्ति के बाद क्या होगा कि ये जो एक्शन पोटेंशियल यानी कि नर्व इम्पल्स है, ये नर्व इम्पल्स अब कहाँ जाएगी, तो अपन ने कहा कि ये नर्व इम्पल्स अब चली जाएगी द्रक तंत्रिका में। तो अपन ने कहा कि ये अब किसके अंदर चलेगी बेटा, द्रक तंत्रिका में चली जाती है। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये किसके पास पहुंचा, द्रक तंत्रिका में, और द्रक तंत्रिका भी से लेकर के ये अब सूचना को या आवेग को कहाँ पहुंचा देगा। तो हमने कहा कि ये जो आवेग है ये मस्तिष्क के दृश्य बलकुट कहाँ पहुंचेगा, दृश्य बलकुट यानी कि विजुअल कॉर्टेक्स पर पहुंच जाएगा। तो ये कहाँ पहुंचा, विजुअल कॉर्टेक्स पर पहुंचा। और जब अगर ये मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स पर पहुंचेगा तो प्रीवियस मेमोरी और एक्सपीरियंस के बेसिस पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो आपने कहा प्रीवियस मेमोरी और एक्सपीरियंस के बेसिस पर इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब जब अगर लाइट नहीं आ रही थी तब रॉड सेल किसमें था, डीपोल में। बाइपोलर में क्या था, आईपीएसपी। गैंग्लियोनिक सेल में आरएफपी, कोई आगे इंपल्स नहीं जा रहा। लाइट के आते ही रोडोप्सिन टूटा, टूट करके ऑप्सिन की संरचना बदली, रॉड सेल की पारगम्यता बदली, रॉड सेल चली गई डीपोल में, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की विमुक्ति बंद हो गई। बाइपोलर सेल से क्या रिलीज हुआ, एसिटाइल कोलीन। गैंग्लियोनिक सेल में उत्पत्ति किसकी हुई, एक्शन पोटेंशियल की, और नर्व इंपल्स कहां पहुंची, द्रक तंत्रिका में। यानी कि एक्शन पोटेंशियल या क्रिया विभव पहली बार किस सूचिका में उत्पन्न होता है, तो आप क्या कहेंगे, गैंग्लियोनिक सेल में। एक्शन पोटेंशियल पहली बार किसको उत्पन्न हुआ, गैंग्लियोनिक सेल में। क्या इसकी बात हमें समझ में आई, फटाफट इस चीज को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ के देखते हैं। तो बेटा एक एनसीईआरटी तो दो है कि नहीं तुम्हारे पास, है चलो इसके मैं देखो फटाफट। देखिए कहा कि दृश्य तरंग दैर्ध्य में प्रकाश किरणों को कॉर्निया बल्लेस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाकाओं और शंकु में आवेग उत्पन्न होते हैं। तो यानी कि फोकस करना काम किस किस का था, कॉर्निया और लेंस। ठीक, कॉर्निया पे अपन ने कहा था मैक्सिमम रिफ्रेक्शन होता है और लेंस क्या करेगा, कन्वर्जेंस करेगा। तो ये कहां पहुंचा, शलाका और शंकु पर। कहा या पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक यानी कि प्रकाश वर्णक ऑप्सिन जो कि एक प्रोटीन है, और रेटिनल जो विटामिन का एल्डिहाइड है, इससे बने होते हैं। प्रकाश ऑप्सिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है, ऑप्सिन से अलग कौन हुआ, रेटिनल। फलस्वरूप ऑप्सिन की संरचना में बदलाव आता है, संरचना किसकी बदली, ऑप्सिन की, तथा यह झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव लाता है। तो झिल्ली की पारगम्यता क्या हुआ, बदल गई। इसके परिणाम स्वरूप विभवांतर प्रकाश ग्राही कोशिका में संचरित होता है। विभवांतर समझना, ये रॉड सेल पहले किसमें था, डीपोल में,
तो पोटेंशियल था प्लस 30, अब आया रिपोल में कितना हुआ -70। क्या विभवांतर समान रहा या बदल गया? बदला। तो हमने कहा विभवांतर प्रकाश ग्राही कोशिका में संचरित होती है तथा एक संकेत की उत्पत्ति होती है। तो अब ये क्या है, एक सिग्नल था, रिपोल से रिपोल में जाना अपने आप में एक सिग्नल है। हमने कहा कि जो कि गुच्छिका कोशिकाओं में ध्रुवीय कोशिका द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। तो सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न किसके अंदर हुआ? गुच्छी कोशिकाओं के अंदर। फिर कहा इन सक्रिय विभव के आवेगों का रक्त तंत्रिका अंतःकरण में कॉक्लिया के ऊपर द्वारा मस्तिष्क के दृष्टि बलकुट क्षेत्र में भेजा जाता है, जहां पर तंत्र की आवेगों की विवेचना की जाती है और छवि को पूर्व स्थिति व अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? फटाफट इसको लिख लो। पूर्व स्थिति या अनुभव का मतलब है कि अगर मान लो तुमने किसी अजगर को कहीं देखा, अगर तुमने उससे पहले अजगर नहीं देखा हो तो क्या तुम देख के पहचान पाओगे कि अजगर है? पता कैसे चला? पहले कभी ना कभी देखा था ना। पूर्व स्मृति थी कि नहीं थी? तो पूर्व स्मृति का रोल होता है तो कैसे पहचानोगी? पहचानोगी तो अब वो तो सामने आके मतलब तुम उसे खाओगे, वो तुम्हें खाएगा, बात की बात है, पहचानोगे कैसे? नहीं करोगे सर, बहुत ठीक। सुबह सुबह तो कम से कम कुछ तो बोला करो, उसकी बात को इंडियन का आना कुछ वैसे ही है जैसे मोबाइल से छोटे चूज कर। अगर बेटा ये पीडीएफ से सब अगर पढ़ जाते ना तो फिर यह पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज भी मैं अपनी जानता हूँ, मुझे आज भी अगर जब पढ़ना होता है तो किताब कॉपी लेकर बैठता हूँ, वैसे लैपटॉप और टैब फुल फाल के नहीं बैठता हूँ, किताब कॉपी लेकर बैठता हूँ। तो सब पढ़ाई होती है किताब पढ़ना। आगे पढ़े सारे बच्चों का हुआ कि नहीं? चलो अब आंख के बाद अपन बात करते हैं कान के बारे में, यानी कि अब आ जाते हैं ईयर तक। तो ध्यान दो, ये जो हमारा ईयर है ये हमारे अंदर बेटा दो काम करता है। पहला काम क्या होता है? शरीर संतुलन। तो ईयर का पहला काम क्या है कि हमारे शरीर का संतुलन करता है, यानी कि बॉडी बैलेंस बनाता है। और दूसरा काम होता है हियरिंग, यानी कि श्रवण, तो सुनना इसका काम होता है। तो ये दो काम, दोनों में से अगर आपसे कभी कहा जाए कि ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है तो आप हमेशा कहेंगे कि ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है? शरीर का संतुलन बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर सुनने वाला फंक्शन ना हो तो बिना उसके सर्वाइवल पॉसिबल, पर अगर बॉडी बैलेंस बिगड़ जाए तो उसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। हम चारपाई से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अपन ने कहा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? बॉडी बैलेंस। अब जरा देखिए, हमारे ईयर को हम जानते हैं कि तीन भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो इनमें से सबसे पहले बात करते हैं बाह्य कर्ण के बारे में। अगर हम बाह्य कर्ण को देखते हैं तो बाह्य कर्ण में सबसे पहली जो संरचना पाई जाती है इसको क्या कहते हैं? ईयर पिन्ना। सबसे पहले यहाँ पर क्या मौजूद होगा? ईयर पिन्ना। यानी कि अपन ने कहा कि पहली जो संरचना है या आपके पास क्या आ जाती है बेटा? कर्ण पल्लव, यानी कि क्या आ गया? ईयर पिन्ना। तो ये जो कर्ण पल्लव या ईयर पिन्ना है ये यहाँ पहली संरचना हुई। देखेंगे आपने एनिमल टिश्यू में कार्टिलेज के एग्जांपल में पढ़ा था आउटर ईयर ज्वाइंट, पढ़ा था कि नहीं? जो आउटर ईयर ज्वाइंट था तब मैंने कहा था कि वहां इसका मतलब क्या है? ईयर पिन्ना। तो ईयर पिन्ना बना किसका है? तो हम कहेंगे कि बना किससे होता है? उपास्थि से। किससे बना है? उपास्थि। और बताओ कौन सी उपास्थि होगी यहाँ पर? इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज निर्माण करती है आपका ईयर पिन्ना। अब ये जो ईयर पिन्ना है
जिसके बारे में अगली बात आती है कि कौन से प्राणियों में पाया जाता है, तो पियर पिन्ना केवल स्तनी प्राणियों के अंदर ही पाया जाता है। स्तनी प्राणियों के अलावा बाकी प्राणियों में पियर पिन्ना नहीं पाया जाता, तो केवल कहाँ होता है? मैमल्स। आप ध्यान रखें, रेप्टाइल तक केवल मिडिल ईयर पाया जाता है, एक्सटर्नल ईयर की जो शुरुआत है ये आपका होती है बर्ड से, पर बर्ड में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल तो होती है पर ईयर पिन्ना नहीं पाया जाता, तो ईयर पिन्ना केवल किसके अंदर होता है? मैमल्स में। अगली बात आती है कि ये जो ईयर पिन्ना है ये हमारे अंदर क्रियाशील है या अवशेषी अंग है? इवोल्यूशन में पढ़ा है ना, कैसा अंग है हमारे अंदर? अवशेषी अंग है। कैसा होता है? अवशेषी। अगर मान लो ईयर पिन्ना नहीं होता तो तुम चश्मा कैसे लगाते? तो बताओ, अवशेषी हुआ या नहीं हुआ ना? ध्यान देंगे, ईयर पिन्ना की जो मसल्स है वो बेटा हमारे अंदर होती है अवशेषी। ईयर पिन्ना की मसल्स क्या होती है? अवशेषी। पर जो ईयर पिन्ना है ये हमारे अंदर क्रियाशील होता है। ईयर पिन्ना का हमारे अंदर काम होता है कि ये ध्वनि तरंगों का संग्रह करता है। ये क्या करेगा? ध्वनि तरंगों का संग्रह करता है। तो ध्वनि तरंगों का संग्रह करना इसका काम है, तो यानी कि ये हमारे अंदर क्या है? क्रियाशील है। वहीं पर आप देखिए, जो कर्ण पल्लव की पेशियां पाई जाती है, यानी कि अगर अपन कहें कि मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना जो है ये हमारे अंदर क्या होती है? वेस्टिजियल। तो अपन ने क्या कहा बेटा कि कर्ण पल्लव की जो पेशियां हैं, ये कर्ण पल्लव पेशियां हमारे अंदर क्या होती है? तो ये अवशेषी होती है। तो अवशेषी कौन है? ईयर पिन्ना या ईयर पिन्ना की मसल होती है। तो पहली संरचना कर्ण पल्लव हुई। कर्ण पल्लव में भी आप देखो, इस वाले भाग को आप जो है प्रेस करके देखो और इस वाले भाग को प्रेस करके देखो, तो ये कठोर है, ये ज्यादा मुलायम। यहाँ होती है कार्टिलेज, जबकि यहाँ केवल एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। केवल क्या होता है? एडिपोज टिश्यू। इसीलिए दोनों की जो कठोरता है वो भिन्न होती है। अब आपने कहा कि कर्ण पल्लव के बाद यहाँ पे अब एक कैनाल आगे रन करती है, और ये जो कैनाल यहाँ पे आगे रन कर रही है इसका नाम क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये क्या हुआ? बाह्य कर्ण नलिका है। तो आपने कहा कि यहाँ जो है संरचना इसका नाम क्या हुआ बेटा? बाह्य कर्ण नलिका। तो ये हो गई बाह्य कर्ण नलिका। ध्यान देंगे, बाह्य कर्ण नलिका कौन सी अस्थि में पाई जाती है? तो आप कहेंगे कि ये होती है टेम्पोरल बोन के अंदर। कौन सी बोन में होगी बेटा? टेम्पोरल बोन के अंदर पाई जाती है बाह्य कर्ण नलिका। अब ये जो कर्ण पल्लव है और बाह्य कर्ण नलिका है, दोनों के बारे में हम कहते हैं ये दोनों संरचनाएं जो है ये महीन रोम, ये किससे ढकी होगी? महीन रोम व ये मोम स्रावित करने वाली ग्रंथियों से ढकी होती है। तो महीन रोम पाए जाएंगे और मोम स्रावित करने वाली ग्रंथियों से ढका होता है। तो इनसे ढका कौन सा पार्ट हो जाता है आपका? तो अपन ने कहा कि ईयर पिन्ना है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये दोनों संरचना इससे ढकी होती है। अब क्यों ढकी है? वैक्स क्यों पाया जाता है? जब भी आप मान लो पानी में अगर आप स्विमिंग कर रहे हो, ठीक, तो स्विमिंग करते टाइम क्या होगा? बाहर का पानी आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर जाएगा। इस पानी में पैथोजन हो सकते हैं, ये पैथोजन यहाँ से आपके शरीर में प्रवेश की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर वैक्स होगा तो पैथोजन जाकर के वैक्स में फंस जाएंगे मोम में, और ये पैथोजन मूव नहीं कर पाएंगे। फलस्वरूप क्या होगा? आपके शरीर को सुरक्षा मिली, तो यानी कि ये आपकी प्रतिरक्षा के अंदर भूमिका निभाता है। तो आपने कहा कि बाह्य कर्ण नलिका पाई जाती है कौन सी बोन के अंदर? है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के बाद फिर आपने अगला कहा कि यहाँ पर आगे की तरफ जो संरचना पाई जाती है इसे हम बोलते हैं टिम्पैनम। क्या कहा जाता है? टिम्पैनम। तो ये जो संरचना यहाँ पर है, इस संरचना को अपन नाम क्या देते हैं बेटा? टिम्पैनम कहा जाता है। तो ये जो संरचना है इसका नाम क्या है? टिम्पैनम, या टिम्पैनम को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? कर्णपटल।
तो हमने कहा कि ये क्या है, कर्ण पटा है, या आपने इसे क्या कहा, ईयर ड्रम। टिम्पैनम के बारे में देखिए, ये जो टिम्पैनम है ये पार्ट होता है एक्सटर्नल ईयर का, और अगली बात आती है कि जो टिम्पैनम वाला पार्ट है ये बना होता है संयोजी ऊतक से। किससे बना होगा बेटा, संयोजी ऊतक से निर्मित। तो ये बना किससे होता है, संयोजी ऊतक से। तो संयोजी ऊतक से निर्मित इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, टिम्पैनम। अब टिम्पैनम की देखिए दो सतह हुई ना, टिम्पैनम की सतह कितनी होगी बेटा, दो। एक हुई बाहर की तरफ और एक कहाँ हुई, अंदर की तरफ। तो हमने कहा कि बाहर की ओर ये त्वचा से ढका होता है, बाहर किससे ढका है, त्वचा से, जबकि अंदर की ओर ये श्लेष्मा यानी कि म्यूकस से कवर्ड होता है। तो अंदर की ओर किससे ढका होगा, म्यूकस से। तो अंदर की ओर अपन ने कहा कि म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि बाहर की ओर क्या होता है, त्वचा पाई जाती है। ये तीन संरचनाएं मिला करके कही जाती है एक्सटर्नल ईयर। अब बताएं, हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है वो एयर फिल्ड कैविटी है कि फ्लूइड फिल्ड, क्या हुआ, एयर फिल्ड है ना, इसके अंदर क्या भरा है, हवा भरा है कि द्रव, हवा भरी है। तो हमने क्या कहा कि एयर फिल्ड कैविटी होती है, जिसको आप नाम क्या देते हैं, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के बाद अब अगली संरचना आती है जिसका नाम होता है मिडिल ईयर। तो अब मिडिल ईयर पर ध्यान दें, यहाँ पर जो मिडिल ईयर है ये भी बेटा एक एयर फिल्ड कैविटी है, और आप जानते हैं कि मिडिल ईयर को फेरिंग से जोड़ने वाली एक नलिका होती है जिसका नाम क्या होता है, यूस्टेकियन नलिका। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये जो नलिका है, इस नलिका को अपन ने नाम क्या दिया बेटा, तो हमने कहा कि ये होती है हमारी यूस्टेकियन नलिका। तो ये अपन ने क्या कहा कि ये कौन सी है, यूस्टेकियन नलिका होती है। तो ये जो यूस्टेकियन नलिका है ये क्या करती है, तो हमने कहा कि ये मध्यकर्ण को और ग्रसनी के बीच, किसके बीच होगा, मध्यकर्ण व ग्रसनी के बीच, तो मिडिल ईयर और पैरेंट्स के बीच पाई जाती है। आगे अब यहाँ पर होता है कि एनसीईआरटी कहती है कि जो यूस्टेकियन नलिका है ये टिम्पैनम के दोनों ओर वायु दाब को बराबर रखती है। काम क्या है, टिम्पैनम के दोनों ओर वायु दाब को बराबर करता। तो टिम्पैनम के दोनों ओर वायु दाब को समान बनाए रखना, ये समान बनाए रखना काम किसका होता है, टिम्पैनम का। तो हमने कहा कि मध्यकर्ण और ग्रसनी के बीच है, टिम्पैनम के दोनों ओर वायु दाब को समान बनाए रखती। समझिएगा कैसे बनाए रखा है इसने, क्या होगा कि यहाँ बाहर एयर भरी है और जो मिडिल ईयर है वो भी एयर फिल्ड कैविटी होती है। यहाँ पर क्या होगा कि मिडिल ईयर को फेरिंग से जोड़ने वाली यूस्टेकियन नलिका सामान्यतः बंद बनी रहती है, जैसे हमारे अंदर अभी बंद, ठीक। अब क्या हुआ, हम किसी ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पे गए तो बाहर का वातावरणीय दाब घटेगा, या हम ऊंचाई वाली जगह से कहीं नीचे की तरफ आए तो वातावरण का दाब क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ का दाब तो पहले फिक्स था, जब अगर बाहर का कम होगा तो टिम्पैनम बाहर की ओर खींचेगा, अगर बाहर का ज्यादा हुआ तो टिम्पैनम अंदर की ओर जाएगा। तो दोनों कंडीशन में टिम्पैनम के दोनों तरफ वायुदाब बदल रहा है। अब उसे एडजस्ट कैसे करें, तो यहाँ का वायुदाब वातावरण के बराबर कर दो। तो क्या होगा कि हमसे जब भी ऐसा होता है, कान में दर्द होता है या सब ज्यादा सुनाई देने लगता है, तो हमसे कहा जाता है कि या तो आप, जैसे हम चढ़ाई देते हैं ना, जॉनिंग करते हैं, तो कहा जाता है या तो आप जॉनिंग को सिमुलेट करें या फिर आप चिंगम वगैरह कुछ खाएं, यानी कुछ चीजें चबाएं, तो उस कंडीशन में यूस्टेकियन नलिका खुलती हो, और इसके खुलते ही जो वायुदाब है वो मध्यकर्ण में क्या होगा, बाह्यकर्ण के बराबर हो जाता है, और जो टिम्पैनम है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। यहाँ यूस्टेकियन नलिका के बाद फिर आप देखें यहाँ वो अभी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक। अभी अपन ने यहाँ पे कहा कि हमने कहा कि जो मिडिल ईयर है वो एयर फिल्ड कैविटी है, मिडिल ईयर में पाई जाती है कर्ण अस्थिकाएं, जिनके बारे में हमने स्केलेटन के अंदर पढ़ा था।
जो कर्ण अस्थिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, इन कर्ण अस्थिकाओं में आपने कहा कि सबसे बाहर की ओर जो होती है इसका नाम मैलियस, इसके अंदर की ओर इंकस और सबसे अंदर की ओर स्टेप पाई जाती है। तो यहाँ कर्ण अस्थिकाएं कितनी है? तीन। कौन कौन सी है? तो आपने कहा कि पहले बाहर वाले का नाम मैलियस। देखो जब भी आपसे कहा जाएगा कि टिम्पैनम से कौन जुड़ा होता है तो आप कहेंगे टिम्पैनम के संपर्क में कौन है? मैलियस। मैलियस के बाद कौन आता है? इंकस। और सबसे अंदर की तरफ कौन? स्टेप। याद है ना कि स्टेप हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि थी। ये जो मैलियस, इंकस और स्टेप है, इनको मिलाकर के अपन क्या कहते हैं? कर्ण अस्थिकाएं कहा जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर के अपन ने क्या कहा? कर्ण अस्थिकाएं है। फिर आपने अगली बात कही कि ये जो मैलियस, इंकस और स्टेप है, ये आपस में चेन लाइक फैशन में जुड़ी होती है। तो किस तरीके से जुड़ी है? चेन लाइक फैशन में या चेन की तरह जुड़ी होती है। तो चेन में क्या है कि एक के बाद दूसरी चीज जुड़ी होती है, तो ऐसे करके जुड़े होते हैं। और ये जो कर्ण अस्थिकाएं हैं, इनका काम होता है कि ये जो हमारा साउंड वेव है, ये साउंड वेव को एम्पलीफाई करते हैं। साउंड वेव का क्या करेंगे? एम्पलीफाई करेंगे या साउंड वेव का एम्पलीफिकेशन करते हैं। हमने पढ़ा था कि मैलियस और इंकस के बीच में कब्जा संधि पाई जाती है, इंकस और स्टेप के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अगली बात ध्यान देंगे, मैलियस, इंकस और स्टेप क्या है? बोन। बोन कैसी होती है? सॉलिड। साउंड वेव के ट्रेवल करने की स्पीड ज्यादा किसमें है? सॉलिड में। एयर में होती है कम, तो इसकी वजह से क्या हुआ? साउंड वेव यहाँ से जल्दी निकलेगी। तो हमने क्या किया? साउंड वेव का एम्पलीफिकेशन कराया। ईयर जो है चेन लाइक फैशन में जुड़ी है और इन्हें क्या बोलते हैं? कर्ण अस्थिकाएं कहा जाता है। अब इधर जो हमारा मिडिल ईयर है, जिसके बारे में हमने क्या कहा कि वायु से भरी हुई गुहा है, अब इसके अंदर की तरफ अगला पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ईयर। तो इसके जस्ट अंदर की तरफ अगले पार्ट को क्या कहा जाएगा बेटा? इंटरनल ईयर कहेंगे। तो ये वाला जो भाग है, इसको मैंने कहा कि यह हमारा अंतःकरण, क्या हो गया? अंतःकरण है, यानी कि इंटरनल ईयर है। ये जो इंटरनल ईयर होता है, ये भरा है, द्रव से भरा होता है। ये किससे भरा होगा? द्रव से भरा। अगर ये बेटा द्रव से भरा है, तो जो मध्य कर्ण है वो तो वायु से भरा है, मतलब दोनों के बीच में मेमोरी चाहिए कि नहीं? नहीं तो इसका द्रव पूरा निकल के इससे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है वो दो होगी, ऊपर की ओर स्टेप के पास जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं ओवल विंडो। क्या कहा जाता है? ओवल विंडो। वहीं पर नीचे की ओर जो पाई जाती है, इसका नाम क्या है? राउंड विंडो। तो आपने कहा कि दो संरचनाएं हैं, ऊपर की ओर यहाँ क्या पाई जा रही है? तो आपने कहा कि यह है अंडाकार खिड़की। ये क्या है? अंडाकार खिड़की है। तो ये हो गया अंडाकार खिड़की। वहीं पर नीचे की ओर जो है, इसका नाम होता है गोलाकार खिड़की। तो बाहर अंडाकार खिड़की है, जबकि अंदर की ओर क्या पाया जा रहा है? गोलाकार खिड़की यहाँ पर पहुंची चुकी है। तो आपने कहा कि अंडाकार खिड़की से कौन जुड़ा होता है? स्टेप। और जबकि गोलाकार खिड़की डायरेक्टली ओपन होती है, इसके साथ कोई बोल नहीं होती। तो आपने को पहले मिडिल ईयर तक इसकी बात समझ के आई, आपका जो साउथ है तो पूरी आप इंटरनल ईयर को जो फील्ड बाहर आती है गोलाकार खिड़की के द्वारा। अब वो एनर्जी जैसे गोलाकार खिड़की से बाहर आती है, तो हमारे अंदर एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है कि हमारा मुंह खुल जाता है तुरंत। ऐसा होती है वो इसलिए खुल जाता है जैसे कि दूसरे के अंदर लिखा खुल जाए, और जो वायुदाब यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो वायुदाब यहाँ से क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। तो इसलिए अपना क्या होता है कि जो खुल जाता है। रही बात कान से हाथ रखने की, वो कब होता है? जब अगर आपको पता हो कि किसी को फटने वाला है तो
नहीं पता तो ताप के हाथ ही रखते थे, तब से देखो गुना भी होगा वहीं पर ध्यान दे। अगर मान लो जो साउंड वेव है, ये साउंड वेव अगर तेज है पर लंबी अवधि, यानी कि लंबी अवधि तक तेज आती है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टेप से जिससे एक मसल जुड़ी होती है जिसका नाम होता है स्टेपीडियम, ये स्टेपीडियम मसल क्या करती है, ये स्टेप को पीछे खींच देती है, और स्टेप को जब पीछे खींचती तो अब स्टेप क्या होगा कि अंडाकार खिड़की से कम टकराएगा, तो जिसकी वजह से इंटरनल के अंदर साउंड जाएगा कम। टिम्पैनम है ना, टिम्पैनम बंद होता है, टिम्पैनम से होकर के एयर नहीं जा सकता। क्या नहीं, हर बार बेहोश हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी होता ही है कि जब भी आप थप्पड़ मारते हैं तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपने ध्यान दो आसपास की पूरी एयर इकट्ठी करके आपने उसके कान में पहुंचा दी, रिजल्टेंट क्या होगा कि टिम्पैनम बहुत तेज वाइब्रेट करेगा, यही वजह है कि जब ये थप्पड़ पड़ता है तो सन आवाज आती है, तो इसी वजह से उसी कंडीशन में क्या होता है कि क्योंकि यहाँ एक मैकेनिकल जर्क लगा, तो ये मैकेनिकल जर्क अगर काफी ज्यादा हो तो इसकी वजह से पृथ्वी के अराउंड जो पीएस है तो काफी खलबली हो, तो उसकी वजह से कभी कभार शुरू से आ जाए। तो बेटा हो ही विलक्षण सब, हाँ तो बता तो रहा हूँ, तुम विलक्षण विलक्षण हो, तुम सामान्य नहीं हो, तुम अपने आप को सामान्य मत मानो। तो वो केवल एक्सटर्नल ईयर के अंदर करता है, पर जब अगर ऐसा होगा तो आपके कान में संक्रमण होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो तब होता है जब ये टिम्पैनम डैमेज होता है, अगर टिम्पैनम डैमेज हो तो उस कंडीशन में होता है, तो यूजी होता है ना, तो यहाँ रक्त वाहिकाएं भी पाई जाती है, अगर ये डैमेज होता है तो उस कंडीशन में कान से खून आने लगता है, वो भी होता है जब जो है कान में एक्सटर्नल ईयर के अंदर इंफेक्शन हो, तो इंफेक्शन होने पर क्या होता है कि इससे पस आने लगता है, मीटर्स मतलब होता है ओपनिंग या एक्यूज, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर कहा जाता है, तो बाई का डलता है इस तरह होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर। देखा पीएलपी बिना नहीं तुम उसको भी पीएलपी बिना ही आज तक एक प्रोजेक्ट नहीं सुना ना, अगर अंग्रेजी में डाला तो पास चल जाएगा, नहीं चलेगा तो ट्रांसलेट करने की क्षमता अभी तो बच्चे वो बैठते से रुकने के लिए, या फिर थोड़ा सा समय दो तो अगर मेरी क्लासेस वगैरह खत्म होगी तब मैं पहले हिंदी में लिखूं, ताकि हिंदी में लिखने की अभी तो क्षमता नहीं है, लेकिन हिंदी में बैठ के नर्वस वगैरह की मॉड्यूल नहीं मिली तो किसका बाकी है, लोकोमोशन का नहीं मिला तो गया, लोकोमोशन का मॉड्यूल कितने लोगों को मिला, भी मिला या नहीं, नहीं। नर्वस का मिल गया, एंडोक्राइन मतलब लोकोमोशन का बचा है ना, चलो बात करता हूं, कितना लिखा अब जरा ध्यान दें कि आगे हमें अब बात करनी है इंटरनल ईयर के बारे में, यानी कि हमारा अंतःकरण कैसा होता है, इसको अब जरा ध्यान देते हैं, तो अब आ जाते हैं जरा अपने अंतःकरण पर। हमारा जो अंतःकरण है इसको बेटा और कहा जाता है लैबिरिंथ,
अंतःकरण के लिए एक और नाम क्या होता है आपके पास, लेबरिंथ। और ये जो अंतःकरण है इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि ये द्रव से भरी गुहा होती है, किससे भरा होगा, द्रव से भरा होता है। तो द्रव से भरी हुई इस गुहा को अपन क्या कहते हैं, अंतःकरण कहा जाता है। अब ये जो अंतःकरण है इसकी संरचना कैसी होती है ये अपने को समझना है। तो देखिए अंतःकरण को अगर हम बात करते हैं तो बेटा लैबिरिंथ शब्द का मतलब होता है चैनल। तो यहाँ पे क्या होगा, कई सारे चैनल पाए जा रहे होंगे और ये जो चैनल यहाँ पर पाए जाते हैं, देखो बनाना कैसे है, सबसे पहले अंदर जो ब्राउन कलर वाली स्ट्रक्चर है ना उसको बनाना शुरू करना और ब्राउन कलर वाला बना के फिर उसके ऊपर और नीचे की तरफ, फिर आपको यहाँ ग्रीन कलर को उसकी आउटलाइन करा देनी। अब जरा हम बनाते जाएंगे और साथ साथ में हम सुनते जाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट। तो ये बनाओगे, और बना के सब लोग दिखाएंगे कैसा कैसा बनाया। एक काम करो, इसकी फोटो खींचो, बाकी आराम से बनाते हैं। एक बार अपन समझ लेते हैं, समझना अपने लिए जरूरी है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम इतना डिटेल में नहीं दिया है, पर अपन एक बार समझ लेते कहानी है क्या। अब जरा ध्यान दें, देखिए ये जो हमारा अंतःकरण है, अंतःकरण में हम कहते हैं कि जो अंतःकरण को हमने नाम दिया था लैबिरिंथ, तो ये लैबिरिंथ होते हैं दो। पहला जो बाहर की ओर पाया जाता है इसको हम बोलते हैं बेटा बोनी लैबिरिंथ। बाहर वाले को क्या नाम देते हैं, बोनी लैबिरिंथ कहा जाता है। नाम से समझ में आता है कि किससे बना होगा, अस्थि से। जबकि वहीं पर अंदर की ओर जो पाया जाता है इसका नाम क्या होता है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो हमारे पास लैबिरिंथ कितने हो गई, तो बाहर की ओर बोनी और अंदर की तरफ मेम्ब्रेनस। तो यहाँ पर जो ये बोनी लैबिरिंथ वाला भाग है, ये बोनी लैबिरिंथ वाला भाग अस्थि से बना और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ किससे बना होता है, झिल्ली से बना। ठीक। अब जो बोनी लैबिरिंथ है इसके अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड होता है इसका नाम होता है पेरिलिप। बोनी लैबिरिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा होगा, पेरिलिप। तो हमने कहा कि यहाँ पर पेरिलिप भरा होता है, जबकि वहीं पर जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है इस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर भरे हुए फ्लूइड को नाम देते हैं एंडोलिप। तो इसमें क्या भरा होगा, एंडोलिप। यानी कि आपने कहा ये जितनी भी आपको हरे रंग की संरचना दिख रही है उसके अंदर की तरफ पेरिलिप भरा है, जबकि वहीं पर जितना आपको ब्राउन कलर की संरचना दिख रही है उसके अंदर भरे हुए पार्ट को या भरे हुए फ्लूइड को हमने क्या कहा है, एंडोलिप। अब यहाँ पर देखिए हम पूरे अंतःकरण को दो भागों में विभाजित करते हैं। अंतःकरण में कितने भाग होते हैं, दो। अब ये जो दो भाग है इनमें से ऊपर का भाग कहा जाता है वेस्टिब्यूलर भाग। ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर पार्ट कहा जाता है। तो ऊपर वाला पार्ट कहा जाता है वेस्टिब्यूलर पार्ट, और ये जो वेस्टिब्यूलर पार्ट है ये आपके अंदर बनाता है संतुलन। ये किससे संबंधित होता है, संतुलन से संबंधित है। वहीं पर नीचे की ओर वाले भाग को कहा जाता है कॉक्लिया, और ये जो कॉक्लिया है ये आपके अंदर संबंधित होता है श्रवण, यानी कि हेयरिंग से रिलेटेड पार्ट का नाम क्या होता है, कॉक्लिया। अब जरा वेस्टिब्यूलर पार्ट में देखिए, तो वेस्टिब्यूलर पार्ट कॉक्लिया के ऊपर की तरफ है कि नीचे, इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना। तो आपने कहा कि जो वेस्टिब्यूलर पार्ट है इस वेस्टिब्यूलर पार्ट में मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में देखो एक दो और तीन, क्या आपको ये तीन अर्धवृत्ताकार नलिकाएं दिख रही है। देखो पहली अर्धवृत्ताकार नलिका ये, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये है। इन तीनों को कहा जाता है अर्धवृत्ताकार नलिका या सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या कहा जाता है, अर्धवृत्ताकार नलिका, या आपने क्या कहा, सेमी सर्कुलर कैनाल कहा। तो ये हो गई अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, संख्या इनकी कितनी है, तीन। ये जो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं ये बेटा पाई जाती है एक्स वाई और जेड एक्सिस पर, इस पर होती है एक्स वाई और जेड अक्ष पर होती है। जब मैंने कहा कि एक्स वाई और जेड अक्ष पर है
तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि तीनों के तल अलग अलग होंगे और तीनों एक दूसरे से संपूर्ण पर होंगे। एनसीईआरटी लिखती है तीनों के तल अलग अलग है, संपूर्ण पर है। मैंने आसान भाषा में लिख दिया कि एक्स वाई जेड एक्सिस पर होती है। तो ये तीन अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती है। इन अर्धवृत्ताकार नलिकाओं पे अगर आप देखें तो इनका एक सिरा जो है ये फूला हुआ है। देखो ये वाला सिरा क्या है, फूला हुआ है। ये जो फूले हुए भाग है इन्हें क्या कहा जाता है, एम्पुला। तो इन फूले हुए भागों का नाम क्या होता है, एम्पुला। तो बताओ जरा एम्पुला की संख्या कितनी, तीन। मैंने आपको कहा था कि जो फूला वो एम्पुला, जहां भी अगर फूली हुई संरचना होगी तो उसका नाम क्या होगा, एम्पुला। तीन एम्पुला पाए जाते हैं। अब एम्पुला के बाद हरेक एम्पुला में संवेदी ऊतक का, ध्यान रखें, हरेक एम्पुला में संवेदी ऊतक का एक टुकड़ा पाया जाता है। और ये जो संवेदी ऊतक का टुकड़ा होता है हर एम्पुला में, इस संवेदी ऊतक के टुकड़े को अपन नाम देते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। तो देखो ये तीन क्या कहे जाते हैं बेटा, क्रिस्टा एम्पुलरिस कहे जाते हैं। तो इन तीन को अपन बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस, या शॉर्ट टर्म केवल इसे क्या बोल देते हैं, क्रिस्टा। तो ये हुआ आपका क्रिस्टा एम्पुलरिस, या जैसे क्या कह दिया जाता है, क्रिस्टा नाम देते हैं। अब ये जो क्रिस्टा एम्पुलरिस है इसकी संख्या कितनी हुई, तीन। यानी कि एक अंतःकरण में कितने क्रिस्टा पाए जाते हैं, तीन। और ये जो क्रिस्टा है, ये क्रिस्टा का काम होता है कि ये आपके अंदर बनाते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। कौन से इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब आपके अंदर होता है रोटेशनल मूवमेंट, जब कैसा हो रहा हो, रोटेशनल मूवमेंट अगर आपके अंदर हो रहा है, तो रोटेशनल मूवमेंट के टाइम पर आपका बॉडी बैलेंस बनाना ये काम किसका का होता है, क्रिस्टा का काम। रोटेशनल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप गोल गोल घूम रहे हैं तब आपका बॉडी बैलेंस बनाना किसका काम होता है, क्रिस्टा का। तो हमने पहली बात क्या कही कि वेस्टिब्यूलर एपरेटस में सबसे पहली संरचना क्या है, अर्धवृत्ताकार नलिका, जिनकी संख्या तीन होती है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार नलिका का एक सिरा फूला हुआ होता है जिसको एम्पुला कहा जाता है। एम्पुला में संवेदी ऊतक का एक टुकड़ा पाया जाता है जिसका नाम क्रिस्टा है। तो इस तरीके से क्रिस्टा का संख्या कितनी हो गई, तीन। ध्यान दें क्योंकि प्रत्येक अर्धवृत्ताकार नलिका एक दूसरे से समकोण पर और अलग तल पर थी, तो तीनों क्रिस्टा भी एक दूसरे से अलग अलग तल पर होंगे। ऐसे करके जब अगर ये इस तरीके से मौजूद होंगे तो क्या होगा, इनके अंदर फ्लूइड भरा है और फ्लूइड में सेंसरी टिश्यू का एक पैच मौजूद है। तो ये जो पैच ऑफ सेंसरी टिश्यू है, इसके अंदर फ्लूइड जैसे ही हिलेगा तो क्या होगा, अगर आप आगे पीछे मूवमेंट कर रहे हैं तो इसको पता चलेगा, ऊपर नीचे गए इसको पता चलेगा, लेफ्ट राइट में गए तो इसे पता चलेगा। तो हमने कहा रोटेशनल मूवमेंट, जैसे मान लो कोई एक डांसर है जो कि डांस करते करते अगर गोल गोल घूम रहा है, तो उस कंडीशन में वहां पर ये जो मूवमेंट हो रहा है ये कैसा है, रोटेशनल। या मान लो कोई एक महिला हो जिसको भूत आ गया हो, ठीक। अब अगर भूत आ गया तो वो क्या एक अपना सिर जैसे गोल 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 घुमाएगी, तब जो बॉडी बैलेंस है उसको बनाना काम किसका होता है, रोटेशनल मूवमेंट होता है वो। और उस इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाली बात समझ में आई। अब देखिए इधर यहां पर जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके नीचे के इस वाले भाग को कहा जाता है यूट्रिकेल। इस वाले भाग का नाम क्या होगा, यूट्रिकेल। और ये वाला भाग कहा जाता है सेक्यूल। तो इस भाग का नाम क्या होता है, सेक्यूल। तो इसके नीचे पाया जाता है यूट्रिकेल और सेक्यूल। यूट्रिकेल और सेक्यूल में भी संवेदी ऊतक का एक एक टुकड़ा पाया जाता है। तो यूट्रिकेल में भी और सेक्यूल में भी संवेदी ऊतक का एक एक टुकड़ा यहाँ पर भी मौजूद होगा। और ये जो संवेदी ऊतक के टुकड़े यहाँ पाए जाते हैं, इन संवेदी ऊतक के टुकड़ों को हम नाम देते हैं मैक्यूला। इसे क्या कहा जाता है, मैक्यूला। तो ध्यान रखें इसका नाम होता है मैक्यूला, या इसे कहा जाता है ओटोलिथ ऑर्गन। मैक्यूला का एक और नाम क्या है, ओटोलिथ ऑर्गन नाम भी होता है। तो मैक्यूला का एक और नाम क्या हो गया, ओटोलिथ ऑर्गन।
देखें मैक्यूला आपके काम आता है जब आप बात करते हैं अपने अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो आपके अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम को बना करके रखना काम किसका होता है बेटा, मैक्यूला का। तो इसने क्या मेंटेन किया आपके अंदर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब होती है जब अगर जो मूवमेंट है वो कैसा हो रहा हो, लीनियर। अगर मूवमेंट कैसा हो रहा है, लीनियर मूवमेंट हो रहा है, यानी कि एक दिशा में अगर मूवमेंट हो रहा है तो एक दिशा में हो रहे मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि मान लो अगर आप किसी बाइक पे किसी कार में बैठे हैं, कार अचानक से आगे जाती है पीछे जाती है, तो उस कंडीशन में अपना बॉडी बैलेंस बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और प्रोवाइड करता है मैक्यूला। मैक्यूला का दूसरा नाम क्या होता है, ओटोलिथ ऑर्गन। तो आपके एक अंतःकरण में कोशिका की संख्या कितनी, तीन। मैक्यूला की संख्या कितनी, दो। कोशिका आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और मैक्यूला ने क्या प्रोवाइड किया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आप ध्यान देंगे आपकी जो आर्टरी क्रैनियल नर्व थी ना, इस आर्टरी क्रैनियल नर्व का नाम क्या था, क्या दिया था बेटा आपने, ऑडिटरी। ये जो ऑडिटरी नर्व है बताओ संवेदी है कि प्रेरक, कहती है संवेदी, यानी कि एफरेंट या इफरेंट, एफरेंट यानी कि अभिवाही होती है। ये जो ऑडिटरी नर्व है इसका ही नाम होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर। ये जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है जहाँ से संकेत किसके लिए गए, शारीरिक संतुलन के, वहीं पर कॉक्लिया से संकेत किसका जाएगा, बॉडी बैलेंस बनाने में केवल हमारे इंटरनल ईयर का रोल ही नहीं होता, या मैं कहूँ केवल इंटरनल ईयर ही नहीं है तो बॉडी बैलेंस बनाने में रोल प्ले करता होगा। इंटरनल ईयर के अलावा बाकी कुछ भी है जो बॉडी बैलेंस पर रोल प्ले करते हैं। हमारे अंदर बॉडी बैलेंस के लिए प्राइमरीली जिम्मेदार जो पार्ट होता है वो इंटरनल ईयर है, पर इसके अलावा आपकी आंखों का भी बॉडी बैलेंस को बनाने में रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल जब ये अगर आपके पास जो अगर आप गोल गोल छोटे जैसे गलती से खेल होता है हाथ पकड़ के गोल गोल, उसके बाद क्या होता है चक्कर आने लगते, जब चक्कर आने लगते तो आँखें बंद करने से थोड़ा आराम लगता है, तो आपकी आंखें भी बॉडी बैलेंस के लिए देते हैं। मतलब आपकी आंखों को जो आदत है वो आदत है कि आपकी तरफ आ जाए, तो आपकी आंखें इस मूवमेंट को नॉर्मल मान, बाकी जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को आपकी आंखें उतना ज्यादा नॉर्मल मूवमेंट नहीं कर। यही वजह है कि हम कभी ना कभी अपने परिवार के साथ से बाहर निकले गए, कभी किसी सरकार से गए, उससे सबसे पीछे की तरफ की दो तीन ऐसे करके उसके बाद वो जो सबसे पीछे वाली चीज होती है उसको खुद को जीता जाता है, चाहो तो चाहो या ना चाहो सबसे पहले खुद को जीता जाता है। घर में कोई भी बड़ा वहां नहीं बैठता था, कारण अगर आप आगे की सीटों पर बैठेंगे तो रोड का जो मूवमेंट है वो आपको अपनी तरफ दिखेगा, और पीछे वाले पे बैठ के रोड का मूवमेंट ऐसे दिखेगा, तो पीछे वाली सीट पर बैठ के वो भी आने के चांसेस ज्यादा होंगे, आपको उतना ज्यादा कंडिडेट फील नहीं होता। तो जैसे आपकी आंखों का रोल होता है, आपको अगर अपनी आंखों का रोल दिखता हो कि रोल होता है कि नहीं, तो आप कभी भी बाइक पे या साइकिल पे उतना चला रहा हो आप उसको उल्टे बैठ जाता है। जब अगर आप उल्टे बैठते हैं तो अब क्या होता है कि आपके कान से जो इंफॉर्मेशन जा रही है आपके इंटरनल ईयर से और आपकी आंखें जो बता रही है वो दोनों चीजें ब्रेन के पास अब मैच नहीं करती। जब बैच नहीं करती है तो बॉडी बैलेंस कराने में दिक्कत होती है कि नहीं, तो हमने कहा कि हमारा जो ईयर है उसका भी रोल है। इसके अलावा आपकी बॉडी के जो मसल्स है ज्वाइंट है जहाँ पे भी कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो प्रेशर रिसेप्टर यहाँ ज्वाइंट और मसल्स पर पाए जाते हैं वो लगातार मॉनिटर करते हैं कि बॉडी के दोनों साइड से जो दबाव है बराबर
मस्कुलर एथलेटिक्स के बारे में, जेड को सपोर्ट करने के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या बनाएगा? अबे इस जगह को दिखाओ जरा, बनाइए नहीं तो ये क्या करो? अब एक बार एक आपके पास आई डी आई होती है, नहीं तो वो जो फोन नंबर था उसे फोन नंबर से पूछ सकते हैं। बात को लेकर बड़ा परेशान जनता का समाधान नहीं हो रहा, आपके साथ अब कोई भी दिक्कत परेशान से तो बता मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। हाँ मुझे लग रहा है कि मैंने ऐप तो डाउनलोड कर लिया था, ऐप के डेवलपर से काम नहीं करता, तो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा खराब परेशान। चलो बेटा आगे बढ़े क्या थे? देखिए अब अगर आप कॉपिया में देखते हैं तो कॉपिया के अंदर बेटा आपको यहाँ पर तीन कैनाल दिखाई देंगे। क्या कॉपिया में आप देखिए आपको यहाँ पर एक कैनाल देखो इधर दिख रही है ना, दूसरी कैनाल आपको यहाँ दिख रही है और तीसरी कैनाल इसके अंदर की तरफ दिख रही है। तो देखो तीन कैनाल है कि नहीं? तो कॉपिया में आपने कहा ये कैनाल कितनी होती है? अब ये जो कैनाल है इसमें से आप देखो, मान लो मैंने इसको नंबर दिया है एक, ये जो कैनाल नंबर एक है ये बोनी लैबरिंथ और मैब्रिनस लैबरिंथ के बीच में है कि नहीं? कैनाल नंबर दो इसको नंबर देते हैं, कैनाल नंबर दो दोनों तरफ से मैब्रिनस लैबरिंथ से ढका है कि नहीं? कैनाल नंबर तीन ये एक तरफ बोनी लैबरिंथ से ढका है और एक तरफ मैब्रिनस लैबरिंथ से ढका हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ पे कैनाल कितनी पाई जाती है? कुछ ऐसे समझते हैं, मान लो ये आपका कॉपिया अपन ने ऐसे बताया ना कुछ ट्यूब के फॉर्म में होगा। यहाँ कॉपिया में आपने कहा कि इसमें ऐसे करके दो मैब्रिन है, अंगूठी क्या हो गई? तो अपन ने कहा दोनों तरफ से मैब्रिन। अब यहाँ पर आपके पास चैम्बर कितने बने? एक दो तीन चैम्बर बने। पहले वाले चैम्बर के इधर क्या है? वो इधर मैम्ब्रेन, दूसरे वाले के इधर मैम्ब्रेन, इधर भी मैम्ब्रेन, तीसरे वाले पे यहाँ मैम्ब्रेन और यहाँ पर वो, तो कितने चैम्बर बनेंगे? तीन चैम्बर के अंदर बनते हैं। अब ये जो तीन चैम्बर है ये कैसे काम करते हैं, क्या है इसके बारे में जरा देखते हैं। तो कॉपिया में अगर हमें तीन चैम्बर को देखें तो ये तीन चैम्बर का अगर आप हम काटते हैं क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये कॉपिया का क्रॉस सेक्शन हो, हमने यहाँ पे कहा कि इस क्रॉस सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे दो मेम्ब्रेन दिखेगी। एक मेम्ब्रेन कहाँ दिखाई देगी बेटा? ऊपर की तरफ है ना, और एक मेम्ब्रेन कहाँ दिखेगी? नीचे की तरफ। तो हमने कहा कि मेम्ब्रेन कितनी हो गई? दो। इसकी वजह से कॉपिया कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है इसमें से ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है इसे कहा जाता है रिसर्च मेम्ब्रेन। ऊपर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? रिसर्च मेम्ब्रेन या राइटर की स्थिति कहा जाता है। जो ऊपर की तरफ क्या हुआ? रिसर्च मेम्ब्रेन हो जाती है। नीचे की तरफ ये आधारीय झुकी या बेसिलर मेम्ब्रेन है। तो ये क्या हो गया बेटा? बेसिलर मेम्ब्रेन हो जाती है। अब यहाँ पर रीजनल मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन के आने के बाद अब कॉपिया के अंदर चैम्बर कितने हो गए? जो तीन चैम्बर हुए इनमें से ऊपर की तरफ आपने कहा कि ये कहा जाता है स्केला वेस्टिब्यूली। ऊपर वाले का नाम क्या होता है? स्केला वेस्टिब्यूली नाम होता है। बीच वाले को अब बोलते हैं स्केला मीडिया। बीच वाले का नाम क्या रहेगा? स्केला मीडिया नाम होगा। और नीचे की ओर वाले का नाम होगा स्केला टिम्पैनी। और नीचे वाले का नाम क्या होगा? स्केला टिम्पैनी। तो यहाँ पर चैम्बर कितने हुए? स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी। अब आप मुझे सोच करके बताएंगे स्केला वेस्टिब्यूली में क्या भरा होगा? पेरिलेम या एंडोलेम?
इसमें क्या बना होगा? पहले दिन इंडिया में एंजो ने और टिफैनी में आपने कहा कि यहाँ पर पेरी लिफ्ट बना होगा, तो आपने कहा कि जो एंजो लिफ्ट है फिर यहाँ पर वापस से क्या बना होगा? पेरी लिफ्ट। तो पेरी लिफ्ट बना है तो कॉक्लिया के अंदर कैनाल आपको कितने दिखाई दी? ये तीनों कैनाल इसके अंदर क्या क्या है सारी चीजें हम और डिटेल पर पढ़ेंगे कल। Thank you.